हेलो हेलो सबसे पहले तो स्वागत है इंडियन प्रो म्यूजिक लीग में एंड आप सभी अपने अपने सिक्के कैप्टन हैं, सो आप लोग बताइए कि क्या कुछ फीलिंग है आज यहाँ पर हम सभी प्रेजेंट हैं। आप पकड़ लो ये बिल्कुल। हाँ जी सर, तो कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। IPML ये एक बहुत ही बढ़िया शो है, बढ़िया कॉन्सेप्ट है और इसके अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे इतने दिग्गज और इतने बढ़िया सिंगर्स एक साथ सब लोग दिखने के मिल रहे हैं। आज तक आप लोगों ने कोई शो ऐसा देखा नहीं होगा जहाँ पर इतने सारे लोग होंगे और इतना सारा म्यूज़िक और म्यूज़िक की बातें और हमारे शान साहब भी हैं उनके तरफ ध्यान देना क्योंकि इस शो के अंदर शान लगाने वाला शान यहीं है। ये इसका कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया है, बहुत ही अलग किस्म का कॉन्सेप्ट बना हुआ है, पहली बार इंट्रोड्यूस किया है इंडिया के अंदर। और मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूँ कि पहले हम लोग जैसे हम लोग आते थे और कोई भी परफॉर्म करता था तो हम लोग दो मिनट के लिए उसके बारे में बात करते थे और उसको जज करते थे। आज वो वैसा नहीं है, आज वो जो कंटेस्टेंट है वो हमारे साथ इज़ अ पार्ट ऑफ अस एंड ग्रूमिंग का भी बहुत ही बढ़िया स्कोप है इसके अंदर और बहुत अच्छी ट्रेनिंग हो रही है, बहुत अच्छे अच्छे गाने सेलेक्ट हो रहे हैं एंड ये पहला शो है जिसके अंदर अरेंजर्स और प्रोग्रामर्स तक इन्वॉल्व हैं। हर एक टीम के साथ अरेंजर प्रोग्रामर है, 6 टीम हैं, 6 के अंदर 5-5 हैं। इतनी बढ़िया बढ़िया खूबसूरत और दिग्गज सिंगर्स हमारे साथ हैं जो आप लोगों के सामने आएंगे। येस ऑफ कोर्स कॉम्पिटिशन तो रहेगा बट एंड ऑफ द डे हम ये चाहेंगे कि हमारे शो में कोई कॉन्ट्रोवर्सी और झगड़ा और एक दूसरे से नाराज़गी ना हो। एंड ऑफ द डे हमारा म्यूजिक एंड जैसे कि आप लोग जानते हो कि ZTV इज़ वेरी फेमस एंड वेरी नोन फॉर गिविंग ब्रिलियंट काइंड ऑफ टैलेंट इन इंडिया। जैसे कि हम पहले भी बोलते हैं सारे गामा पा इज अ वेरी फर्टाइल वेरी फर्टाइल प्लेटफॉर्म फॉर द आर्टिस्ट टू कम अप एंड शोकेस देयर टैलेंट एंड ये अब एक नया शो लेके आ रहा है और इस शो के द्वारा मैं आपको गारंटी देता हूँ कि बहुत अच्छे अच्छे टैलेंट निकलेंगे और टैलेंट निकलने से ज़्यादा ये है कि हिंदुस्तान को बहुत एक अलग तरीके से म्यूज़िक और म्यूजिशियंस को देखने का और सुनने का मौका मिलेगा। शान जी जो बहुत ही अच्छी बात है इस शो की, आप जो है शान मतलब सभी शान बढ़ाने वाले हैं एंड जो है कोई कंट्रोवर्सी नहीं होने वाली इस शो में, कोई जज नहीं होगा, तो आप बताइए कि नहीं बिल्कुल क्यों आप चाहते हैं ये आई टेल यू नहीं नहीं म्यूजिक में इसमें क्या इतने सारे सिंगर्स हैं, सिर्फ धमाल 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 वही होने वाला है और कुछ नहीं। यहाँ पर सिर्फ अच्छा म्यूजिक सुनेंगे, म्यूजिक अच्छा होगा और सारे जो है ना यहाँ पर सब धाकड़ हैं इसलिए म्यूजिक म्यूजिक वही होना है। नो कॉन्ट्रोवर्सी, ओनली म्यूजिक, ओनली लव, ओनली लव। इस शो की एक USP है, इस पूरे शो में जहाँ सब दिग्गज है वहाँ पर एक बहुत तकड़ा स्ट्रगलर भी है वो मैं हूँ। शायद उम्र में और चेहरे में दिख रहा होगा दिख रहा है नहीं नहीं पर सबसे ज्यादा रौनक लगाने वाले क्योंकि बहुत लोगों को उनकी इमेज एज अ कंपोजर पता है और इनसे इतने लोगों ने सीखा है, इतने लोगों ने उनके साथ काम किया है, उनका आशीर्वाद उनको मिला है। अब हम लोग ब्लेस्ड फील कर रहे हैं कि हम एक ही मंच पे आपके साथ हैं और आप सब लोग साजिद भाई का सिंगर अवतार यहाँ पे देखेंगे और मैं आपको देती हूँ, यू आर गोइंग टू हैव एन अमेजिंग टाइम। आई विल टेल यू वन थिंग वेरी वेरी फ्रैंकली, आई एम वी बोथ ब्रदर्स आर द स्टूडेंट ऑफ म्यूजिक एंड यहाँ पर जितना जो कुछ जानते हैं उतना इन लोगों को, खैर शान को हटा के बात कर रहा हूँ, इन लोगों को जितना हो सकता है उतना बताएंगे और जितना हम सीख सकते हैं इन लोगों से बिकॉज दे आर द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ अवर कंट्री और आने वाले वक्तों के अंदर ये लोग माशाल्लाह से बहुत बड़े बड़े लोगों की जगह लेंगे, तो बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। एंड इस शो का जो USP है विच इज़ अनबिलीवेबल कि म्यूज़िक हम ऊँचा रहे हमारा हर शो के अंदर TRP बढ़ाने के लिए और कॉन्ट्रोवर्सीज की जाती है और ये किया जाता है, ये सब चीज़ें शो के अंदर नहीं है। येस ऑफकोर्स आपका टैलेंट ही सब कुछ है और पहला ये शो है जिसके अंदर जो शो म्यूज़िक के साथ साथ विजुअल भी है, यू नो बिकॉज जैसे कि आप देखते हो शकीरा, माइकल जैक्सन, इतने बड़े बड़े जो होते हैं इनका जो शो होता है वो म्यूज़िक प्लस विजुअल का होता है और ज़्यादातर हमारे जितने भी शोज़ होते हैं वो ज़्यादातर कोर सिंगिंग के ऊपर होते हैं। येस ऑफकोर्स यहाँ सिंगिंग इज़ मस्ट बट एट द सेम टाइम विजुअल ट्रेनिंग, क्योंकि हम लोगों को आदत है एक जगह पे खड़े रहकर गाना गाने की, बट येस ऑफकोर्स दे ऑल आर बिहेविंग लाइक स्टार्स, सो इट्स अ फैंटास्टिक कॉन्सेप्ट एंड फैंटास्टिक शो। पहली बार होगा कि जिन सिंगर्स को नॉर्मली एक्टर्स के पीछे की आवाज़
माना जाता है, बहुत सारे ऐसे वॉइसेस हैं जिनको चेहरे से लोग पहचानते हैं, लेकिन इस शो के ज़रिए उनको दिखेगा कि बियॉन्सेज एंड जितने सेलिन डियॉन्स हैं वो हमारी कंट्री में भी हैं, तो अब उनकी शक्लें देखो और ये है हमारी इंडिया का टैलेंट। और सबसे पहली बार ये हो रहा है कि एक ही स्टेज पर आपको 18 सिंगर्स जो एक बार एक साथ में गाते हुए मिलेंगे। आप कॉन्सर्ट देखने जाते हैं, आप एक सिंगर का देखने जाते हैं, यहाँ आपको 18 सिंगर्स एक साथ परफॉर्म करते हुए मिलेंगे। सो आपके पास घर में मुफ्त घर बैठते हुए कॉन्सर्ट फीलिंग, मुफ्त 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 और भी दो दो सिंगर जुड़ेंगे ना, कंट्रोवर्सी मुफ्त, सिर्फ प्यार, सिर्फ प्यार, मुफ्त नहीं मुफ्त, कंट्रोवर्सी वो हमारे पास नहीं है, हमारे पास सिर्फ प्यार प्यार है, इधर मिलेगा प्यार ही प्यार। शान जी ये बहुत एक्चुअली जिम्मेदारी तो सभी की बहुत बड़ी है, तो आप बताइए कि आप ये 26 अप को तो आप बताइए कि कितने रेडी हैं आप, आप हमारा कलर ही रेड है तो हम लोग तो हमारा जो बंगाल टाइगर्स का कलर है वो रेड है, तो मैं तो पूरा रेडी रेडी दिखूंगा, पूरा सर से पांव में रेड में हूँ मैं। रेडी रेडी नहीं है, ये कक्कड़ है, ये देव है, कौन है, शिल्प राव है, रेडी राव। मैं बोलना चाहती हूँ कि हम लोग साजिद भाई एंड शान दादा के साथ हम लोग स्टेज शेयर कर रहे हैं, आई थिंक हम लोग बहुत लकी है कि हमें इनकी छत्र छाया में रहने का मौका मिलेगा। नहीं ये बात तो सही है, ये लोग बहुत लकी है। यही यही खासियत है कि ये देखिए हमारे यहाँ जो मौजूद हैं सब कैप्टन्स हैं, सब एस्टेब्लिश हैं, लेकिन जो एकदम नए आवाज़ी भी हैं ना उनको भी उतना, कोई यहाँ बीच में कोई दीवार ही नहीं है, कोई उस तरह का नहीं है, सबको उतना ही परफॉर्मेंस के समय सबको उतना ही वक्त उतना ही अप्रिसिएशन मिलेगा। सो इट्स फैंटास्टिक। ज़्यादातर हर शो में क्या होता है नए सिंगर्स हैं उन्हें हम जज करते हैं, वो उनको एक जैसे कि कटघरे में रखते हैं, लेकिन यहाँ हम सब कटघरे में और जनता जनार्दन हमारे जनता के लिए गा रहे हैं और उनकी ही जजमेंट के लिए हम लोग खड़े हैं और हम प्यार से गा रहे हैं और जनता के लिए दिल में जगह बनाना चाहते हैं, दैट्स इट। आप सभी उनके लिए हम घुंघरू बांध कर आए बिल्कुल। आप सभी अपने अपने टीम के कैप्टन हैं, एक गुजारिश थी अगर एक कोई सॉन्ग अगर आप सभी साथ एक जो आप जो भी आप लोग डिसाइड कर ली या कुछ भी जब कोई बात बिगड़ जाए गा लेते क्योंकि अब तो उन्हीं का साथ चाहिए, तुम देना साथ मेरा। अरे म्यूजिक ऊंचा रहे हमारा, 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 म्यूजिक ऊंचा रहे हमारा हो। IPM जिंदाबाद। सुपर, थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू। सारे दिग्गज हिंदुस्तान के सिंगर्स आपको नजर आएंगे एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर, एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट एंड प्लीज प्रे फॉर ऑल ऑफ अस टू गिव यू अ फैंटास्टिक शो। थैंक यू, थैंक यू गाइस, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू। अच्छा आप नहीं थकी? बिल्कुल नहीं, आपकी एनर्जी देख के मैं कैसे थका। स्ट्रांग आगे मन जा रहा है, दूध गाय के पैसे तो आप लोग ले लेते हैं। अरे बाइक हटा दो, इसको हटा दो, पीछे अभी मिसिंग है जी। बड़े
संजीव जी सॉरी, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। संजीव संजीव सर आगे 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 सर हमें पैसे दीजिए अभी। क्या बात क्या बात है। ओ सो मैं अभी देखिएगा वी हैव टू प्ले थ्री वीडियोस एंड थ्री सॉन्ग्स। सो आई वॉन्ट टू ऑफ ईच वीडियो हैज टू बी ऑन बाय टू पीपल सो वी आर ऑल गोइंग टू रिलीज वन बाय टू सॉन्ग्स। ओके यू हैव इट। Before you want a small chalak or a club? सर आइए ना सर, एक फोटो कर लेते पहले एक सेकंड। सर 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 पहले कैमरा लुक बाद में मोबाइल लुक। हाँ जी सर 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 एक बाकी है। हाँ बराबर है। हाँ सर ये हाँ जी क्यूज में सर यार अरे सर यहाँ पर सर यार अरे एक सब लोग इस कैमरे में देखो सर सर अभी इधर इट्स माई प्लेजर एक्चुअली एंड एन ऑनर बिकॉज हरि भाई और विक्रम भाई दोनों मेरे बहुत ही खास दोस्त हैं, सीनियर्स हैं, बहुत ही कमाल के साथ। कैसे लगे आपको गाने? मुझे बहुत अच्छे लगे और बहुत अलग लगे। मैं एक्सपेक्ट कुछ और कर रहा था और मैं इतना इम्प्रेस्ड हूँ और इतना खुश हूँ कि इश्क वाकई में सबको फिर एक बार इश्क में डूबा। It's okay. It's fine, right? Sorry. I don't know the lyrics.
बहुत खुश हूँ। मैंने मतलब लास्ट ईयर हमने भी एक एल्बम किया था जिसका नाम था भूमि 2020 और एक सोच है दैट यू नो कहीं ना कहीं म्यूजिक कभी भी रुक नहीं सकता, वो हमेशा बहते जाएगा। जैसे पानी है, जैसे ब्रूस ली ने कहा है म्यूजिक इज लाइक वाटर, म्यूजिक बहना चाहिए। और ये जो दौर चल रहा है लॉन्ग फॉर्म म्यूजिक का वो बहुत ही अच्छा चल रहा है। आर्टिस्ट को एक फ्रीडम मिल रहा है कि अपने तौर से अपने अंदाज में कुछ ऐसा करें जो उसके दिल से उसके रूह से जुड़ा। Special day because you know two maestros coming together. One is my dear friend and brother Hariharan, and the other musician is also my very dear friend and brother Vikram Ghosh. Both of them coming together, you know, what can we expect when two great maestros come together and they launch an album? The music is done by Vikram. The songs are so beautiful, so you know, very rare to find, you know, soul-touching songs nowadays. And these are songs that have got depth, these are songs that have got meaning, beautiful melody, amazing arrangement, and what can I say, the most amazing vocals by Hari Bhai and tabla and percussions and all kinds of arrangement done by Vikram. So this is a very unique album. So congratulations to Ishq. Looking forward to all the songs. We have seen 3 videos. I'm looking forward to seeing all the videos, but I've heard all the songs. They're just amazing. So all the very best. Okay, sir. Lockdown mein sab apne ghar pe the. Abhi sab new normal ho chuka hai. Even the normal. Yeah, new normal. Abhi tak new normal nahi. Yeah. This you have to wear this. I've just opened it because I'm giving the interview. But people, just be careful. That's what I can say. Just watch every step you do and be very careful. You have to. And this is going to remain for a bit. So. Sorry? No, no. The masters are there, उनके सामने मैं कैसे गा सकता हूँ ना? एक तरह फोटो कर दे फोटो। Thank you. First of all, I'm happy to be in this atmosphere, live people, cameras, video cameras, these mics. I've not faced him, so I'm a little emotional about it. It's a wonderful feeling, but that doesn't mean that we let go of the cautiousness that we need to observe in our city, the social distancing, the wearing of the masks. It's very important to continue wearing masks, keep social distancing. Having said that, I must say that this is a great, great opportunity for me to be attending the launch of Ishq, which is a rendition of songs by a very dear friend of mine, Hariharanji. I'm a great admirer of his work, and Vikram Ghosh. I'm a great admirer of both of them. I heard some of the songs, they were wonderful. And the music has to continue, cinema has to continue. It will thrive, it will survive anything, but we need to be cautious. So, what do you have to say about this video? बहुत अच्छा है, तो विजुअली भी बहुत अच्छा गाना, गाने जितने भी मैंने 4-5 सुने, विजुअली बहुत अच्छे हैं, लिरिक्स बहुत अच्छे हैं, cinematography is very good, people they have used as models are also wonderful, but the singing and the rhythm creates the magic. I'm very happy to be here, and to all my friends of media, it has been difficult time for all of you, but we will survive. Wonderful to see you all behind the camera. Lovely, namaskar. Thank you.
Okay. So Hariji is the reason for a lot of us being musicians, and Vikram Da and Hariji together, it's like a double dhamal. So I've heard one song. It looks beautiful, it sounds beautiful, it has that old world charm, the Bengali sweetness to it, which I love, because anything that comes from Kolkata has that sweetness about it. So yeah, I love that, and I'm looking forward to more such collaborations actually. Yeah, yeah. Fans of both. Good wishes, they don't need our good wishes, we need their blessings, because they are our seniors, we learn from them, we get inspired by them. So looking forward to their best wishes for us, Ashirwad ki tarah, and have a great night, people. Thank you. She used to come to me when? What age? I was 13. My birthday. Yeah. On her 13th birthday, she used to come. And I'm so proud of her. And she's become one of the India's most beautiful singing quality she has in her voice, and the clarity of her voice is incredible. God bless you. Can you sing one or two lines? Go. Shama ko pighalne ka arman tu hai, patange ko jalne ka arman tu hai, tusne na lage piya saavre. Thank you. इसके बारे में हरिहरन बहुत पुराने मित्र है. जब मैं मुंबई में आया तब से हमारी मित्रता है, दोस्ती है, और उनकी हर खुशी में मैं साथ रहा हूँ. और ये जो एल्बम है, एक आई वुड से कि पिछला पूरा साल जो है वो उदासी में बीता. सो इट इज अ रे ऑफ मतलब एक खुशी जगह जो है ये पूरी एल्बम है बातों बातों में. आई वुड से दैट मुझे तो आवाज़ जो है गोल्डन वॉइस मैं हमेशा कहता हूँ हरी को, और उसके साथ में सोने में सुहागा विक्रम घोष जो है. और मैं क्योंकि खुद मैं प्रकाशन थोड़ा बहुत कुछ में बजा लेता हूँ, तो इसलिए मुझे वैसे प्रकाशन बहुत अच्छे लगते हैं. तो एज अ कॉम्बिनेशन आई वुड से दैट इट्स फैंटास्टिक. विक्रम इज आउटस्टैंडिंग, एंड दोनों का हरी एंड विक्रम का जो कॉम्बिनेशन है फैंटास्टिक. इससे पहले तुम्हारे कजिन हरी ने किया था लेस्ली के साथ में, दैट वाज सुपर डुपर हिट. तो माय विश इज कि ये जो दोनों का कॉम्बिनेशन है हरी और विक्रम का, ये उससे भी ऊपर जाए. माय बेस्ट विशेज. थैंक यू सर. हाँ जो आपका ललिता को तो बुलाना पड़ेगा. मैं खोल देता हूँ. थैंक यू. We are very happy that you have all come here, and we have just released our album Ishq
songs of love, six yeah. songs with six videos, and the lyricists are Sugata Guho, Sanjeev Tiwari, and Rajiv Pandey. The videos are all directed by Arindam Seel, who is here somewhere, yeah. and Harichi sung all the songs. I've done the music for all the songs. और छह गाने हैं इश्क के और छह कहानियाँ हैं इश्क के. तो आप जरूर देखिएगा, वीडियो देखिएगा और सुनिएगा गाना. Absolutely. And इश्क जो इश्क हम आपके सामने ला रहे हैं, इसमें इसमें इंटेंसिटी ऑफ मेलोडी है और इसमें अरेंजमेंट की बहुत अहमियत है. अहमियत है, अहमियत है. प्लीज देखिए, बिल्कुल सुनिए. हाउ डू यू कंसेप्चुलाइज द होल एल्बम? हाउ डिड यू ऑल कम टुगेदर फॉर इट? आप जरा बताएंगे? अरे हम साथ में पहले भी काम किए हैं, तो चार साल पहले इन्होंने एक मुखड़ा भेजा मुझे, गा के भेज दिया इनको, और एक ही अंतरा था. तो मैंने इनसे पूछा दूसरा अंतरा किधर है, तो उसके बाद चार साल ये गायब है, मैं भी गायब था. तो अभी पैंडमिक में जो कोविड के टाइम में उन्होंने फिर से वो दो अंतरे के गाना भेजा, और आपने दो दिन में गाना गा के भेज दिया. फिर मैंने और एक गाना भेजा, ऐसे करते करते छह गाने हो गए एंड वी कंप्लीटेड द एंटायर सॉन्ग्स इन रिकॉर्ड टाइम. फिर मैं वापस गया, फिर से अरेंज किया, क्योंकि हरी जी गाने के बाद मुझे लगा कि अभी पूरा अरेंजमेंट चेंज होना चाहिए. सो वो पर्सपेक्टिव चेंज हो गया. फिर उसके बाद अरिंदम आया छह वीडियो का शूट के लिए. हरी जी आए कलकत्ता टू स्टिंट्स में, and we shot it all. I think we were done with the entire project in about 5 or 6 months time, right? Which is a record period of time to work so much. Thank you. Gandhi ki ek line agar aap baaton mein ruki ho kahin, baaton mein ruki ho kahin, tum jo kaha ke manao yahi,
हरी सर 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 यहाँ पे हरी सर romantic month any which ways, so I'm loving the videos that they've made in short, and Arindam da is in a superb job. Vikram da, Hari Hari ji, superb it is. Well, hum log, we were passionate enough to hear the music almost a month before, yeah, before it was launched, yeah. So we went out to this dinner and we announced that I think every song is fantastic, and this is the right time to launch it because, like she correctly said, it's the month of romance, yeah. Month of love. But Ish Baar Aaya is my name, and it's lovely. I think it's required also now because abhi kaafi hum logon ne distancing rakhi hai kisi ke saath. I think at least wo gaana hum logo jodega. Yeah. Music jo hai, art jo hai, wo kaafi baatta hai, jodta hai,
And this is the best way to join people together. And I'm so glad that they have come on with this. Okay, how does it feel like lockdown? Everyone was locked inside. Now everything is like traffic events and meeting every friend. How does it feel like to be part of any event now? See, even if you're coming for an event, we are very conscious about the social distancing, wearing a mask, carrying our sanitizers, because it's still not gone. The virus is still there. So we should be responsible enough to take it seriously. You are attending an event, but keep your distance. I mean, now we are doing a bite, so we are close, but otherwise we are keeping our distance. It's very, very important. Thank you so much. Fantastic because music is bringing everybody back. Obviously, हमको safe रहना है lockdown के लिए, but music ही बुलाता है सबको. And it's amazing, got two fantastic legends और उनके लिए गाने, you know, 2021 new music. You know, I think it's amazing. So it's बहुत अच्छा लग रहा है कि हम यहाँ आए, सब लोग मिल रहे हैं after a long time. और artist का जो musical community जो है. ऑनलाइन एक बात है लेकिन आपस में मिलजुल के एक बात करना सुनना गाना इज वेरी ब्यूटीफुल एंड आई एम रियली हैप्पी दैट यू ओके व्हाट वुड यू लाइक टू से अबाउट दिस डुओ कितना पसंद आया ये तो ये डुओ के बाद क्या उसके बारे में क्या बोलूं एक तो हरिहरन है तो कुछ बोल नहीं सकते ऊपर से देयर इज विक्रम घोष व्हिच इज वाओ सो देयर इज टू अमेजिंग पीपल two amazing musical forms aur dono judh ke ek lag raha hai and I saw the videos they are both looking like rock stars I think it's amazing and I absolutely enjoyed the music aur mujhe laga ki dekhne mein bhi unke videos kitne acche hain concepts bhi kitne acche hain so I see so much new talent or so much new music coming out and I'm really No, I'm so happy that I'm here to witness this legendary album by these two legendary, you know, artists, Hari sir and Vikram Ghosh sir. It's just so heartening to see that independent music is taking its own, it's creating its own niche in amongst our audience. And I'm so happy that, you know, an album like this, which is so musically intricate, yet so beautiful to hear, is just being launched here and it's also been received so well. The song is out. So it's been received so well by the audience that it gives us really good confidence that good music is still being received by the audience. So yeah, thank you so much. Thank you. बहुत ही फ्रेशनेस बहुत ही नयापन और ये एक साल के लॉकडाउन के बाद ऐसा संगीत इतना लेट क्यों आए आप अभी अभी आए ओ डैडी भी आए नहीं अमेजिंग मतलब इश्क दुगना हो गया और स्पेशली इस लॉकडाउन के बाद में कोरोना के बाद में हर आदमी जो है कहीं ना कहीं डिप्रेशन में है लेकिन ये एक ताज़ा लहर चली है और मुझे लगता है कि जितने
संगीत के दीवान हैं, सबको ये गाने बहुत पसंद हैं। जैसे आप जानते हैं कि आई वॉज अ तबला प्लेयर, तो विक्रम दा और हम जो है वो हम एक बिरादरी के हैं। एंड आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ विक्रम दा, उनके साथ हमने कई काम साथ में भी किए हैं। और हरी जी के बारे में क्या कहूँ, हरी भाई के साथ मैंने तबला बजाया है और 20-35 साल पुरानी दोस्ती है, यारी है, मैं उनका ज़बरदस्त फैन हूँ। और जो भी वो काम करते हैं लाजवाब काम करते हैं। और ये इश्क एक ऐसा एल्बम है कि जो सुनेगा उसे इश्क होगा। थैंक यू। I'm just proud of that he keeps reinventing himself, and it's an amazing opportunity for me and my brother also to learn from him. And since I'm also going to do my album soon, it's a great experience, and the more albums he releases, the more I experience. So it gets easier for me also when I jab main release karunga to easier. So you must have also actually yogdan to. नहीं, मुझे एक्चुअली मैं स्टूडियो में रहता हूँ, तो आई हैव हर्ड ऑल द मिक्सेस, एंड व्हाइल साइबू आर इंजीनियर व्हाइल ही वाज वर्किंग ऑन द मिक्सेस, तो मैंने भी उनके साथ थोड़ा मेरा इनपुट दिया, यू नो स्टफ लाइक दैट, बिकॉज इट्स योर होम स्टूडियो राइट, सो वो तो होता ही है। सो इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस, एंड इवन बिकम्स हिज कॉन्ट्रीब्यूशन एंड हिज अरेंजमेंट एंड ऑल, आई कुड आई लर्न अ लॉट फ्रॉम दैट एज वेल, इट वाज ग्रेट, इट्स मोर एक्सपोजर द बेटर। यू जस्ट स्पोक ऑफ योर एल्बम, some light on that? Yeah, it's basically an electronic album. So I'm a composer and a music producer. So from the composing to the production to the mixing, the mastering, I do all the phases. So it's basically Indian classical with different genres of electronic music. So I hopefully it'll release this year, or maybe early next year. Anything else you'd like to add? That's it. I'm just proud of being dad's son, and wishing the best always. Thank you.